दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक अलग तरह की क्रांति चल रही है। सब देश अपने अपने यहाँ कुछ नया प्रबंध कर रहे हैं किसी एक विशेष मजहब को रोकने के लिए। दोस्तों, यूरोपीय संघ के 17 देशों ने अभी कुछ समय पहले ही बैठक की थी और उस बैठक में निर्णय यह लिया कि अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए यह देश अपने यहाँ रह रहे इलीगल इस्लामिक माइग्रेंट्स को निकालेंगे। और तो और कुछ देशों ने तो उन्हें पैसे भी ऑफर कर दिए। उदाहरण के लिए स्वीडन, जी हाँ, स्वीडन वह देश है जो कह रहा है कि मुस्लिम शरणार्थियों हमारे यहाँ से निकल जाओ प्लीज। हालांकि ये उससे कह रहा है जो कि कानूनन तौर पर वहाँ के शरणार्थी हैं, और जो कानूनन तौर पर वहाँ के शरणार्थी नहीं हैं उनको तो वो वैसे भी निकालेगा। इन देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ यह कार्य शुरू भी कर चुके हैं। जर्मनी अब तक करीब 1500 लोगों की खेप तुर्की भेज चुका है और माना जा रहा है कि करीब 20,000 से 25,000 लोग हैं जो जर्मनी में लीगल तौर पर रह रहे हैं, मुस्लिम हैं, उनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। हालांकि देखें तो ये यूरोपीय संघ के नियमों के खिलाफ हैं, लेकिन इटली जैसे देश ने यह कहा है कि यूरोपीय संघ हमारे यहाँ इन सारी एक्टिविटीज में कोई टांग ना ही अड़ाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस्लामिक माइग्रेंट्स हमारे यहाँ ना सिर्फ रह रहे हैं बल्कि हमारे यहाँ कट्टरता फैला रहे हैं। इनसे हमारे देश की संप्रभुता को खतरा है। आने वाले समय में ये पूरे यूरोप को यूरेबिया बनाना चाहते हैं। यूरेबिया मतलब पूरे यूरोप का अरबीकरण करना चाहते हैं, इसलिए हम इन सब को अपने यहाँ रहने नहीं दे सकते। खैर, ये तो बात हुई भी हाल की अपडेट की। अब इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ ये कह दिया है कि जो भी हमारे यहाँ इस्लाम का प्रचार करेगा हम उनको मौत की सजा तक दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर कौन से हैं वह कुछ चुनिंदा देश जिन्होंने अपनी हाल की पॉलिसीज में इतना बड़ा बदलाव कर दिया है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मेरा नाम है धीरेंद्र। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस सूची में कितने देश हैं। दोस्तों, तो न्यूज नेशन की माने तो पूरी दुनिया में 5 ऐसे देश हैं जहां पर इस्लाम पूरी तरह से बैन है, मुस्लिमों को आना पूरी तरह से बैन है, और सबसे बड़ी बात कि यहां पर इन देशों में इस्लाम के प्रचार पर मौत की सजा मिलती है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं आखिर कौन से हैं यह 5 देश। और तो और यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी भी शून्य है। पहला देश आता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी तो छोटा सा देश है जो कि माना जाता है कि ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, और यह क्षेत्रफल और आबादी में बहुत ही छोटा है। यहाँ पर रिसर्च करने पर पता चला कि इस देश में एक भी मुस्लिम नहीं रह रहा है, और यहाँ किसी भी देश से मुस्लिमों का आना पूरी तरह से बैन है। जी हाँ, यह कितना छोटा देश है इस बात का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि इस देश की पूरी आबादी मात्र 800 है और यह एक धार्मिक स्थान है। लगे यहाँ पर कई हिंदू तो जा ही चुके हैं, कई व्लॉगर्स जा चुके हैं। चलिए अब दूसरे देश पर आते हैं जो कि है सोलोमन द्वीप या फिर सोलोमन आइलैंड। दोस्तों, यहाँ की टोटल आबादी है 7 लाख, लेकिन यहाँ पर 1995 में कुछ ऐसी घटना हो गई कि यहाँ की सरकार ने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जो कि आज भी अपने आप में एक बड़ा निर्णय माना जाता है। दरअसल बात 1995 की है, जिस तरह से ईसाई अपने मिशनरीज को भेजते हैं लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए, उसी तरह इस्लाम में एक होती है जमात जिसको तबलीगी जमात कहते हैं। इसी तरह की एक जमात यहाँ पे आती है और लोगों को इस्लाम कबूल करवा देती है 1995 में। लेकिन यह घटना इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि वहाँ की सरकार पूरी तरह से इस्लाम पर बैन लगा देती है, और तो और कहा कि जो भी व्यक्ति इस्लाम का प्रचार प्रसार करता हुआ पकड़ा जाएगा उसको सजा दी जाएगी। और तो और यहाँ पर कुछ बड़ी मस्जिदें बनी थी जिनको तुड़वा दिया गया, और अब यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद है और उसको तुड़वाने के लिए भी इस समय सोलोमन आइलैंड में अलग अलग जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे देश की। तीसरे देश पर आता है टोकलाव। जी हाँ दोस्तों, टोकलाव की टोटल आबादी कितनी आप सोच रहे होंगे, तो इसकी आबादी है 1500। जी हाँ, 1500। और यहाँ ना तो कोई मस्जिद है, ना ही कोई इस्लामिक प्रेयर सेंटर है, और ना ही कोई मदरसा है, और यहाँ मुसलमानों की आबादी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाया है कि कोई भी मुस्लिम यहाँ आकर बस नहीं सकता। और तो और इसकी आबादी जरूर 1500 है,
लेकिन इस छोटे से द्वीप में अगर कोई भी इस्लाम का प्रचार करते हुए पकड़ा गया तो उसे मौत की सजा तक हो सकती है। यही कारण है कि यहाँ पर कोई इस्लाम का प्रचार करने ही नहीं आता। चलिए अब आते हैं चौथे देश पे दोस्तों। चौथा देश है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बारे में तो आप ज्यादातर लोग जानते होंगे, किस तरह से वहाँ की सरकार पर एंटी इस्लामिक होने के आरोप तमाम बार लगे हैं, तमाम बार मस्जिदें तोड़वाई गई। और तो और इस बार वहाँ के प्रधानमंत्री जिनका नाम रॉबर्ट फीको है, उनको जान से मारने का हमला भी हुआ था लेकिन बच गए वो। और इस बात के बाद वो इस्लाम के खिलाफ और भी ज्यादा सख्त हो गए। इस देश में आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मुसलमानों ने कई बार कहा कि हम यहाँ मस्जिद बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आज भी एक भी मस्जिद नहीं है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि स्लोवाकिया एक समय तक मुस्लिम साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा। और इस देश पर मुस्लिमों ने 300 साल तक शासन किया, लेकिन आज यहाँ आबादी बिल्कुल शून्य है। और यहाँ स्लोवाकिया का सबसे पुराना और पहला अस्पताल भी मुस्लिम शासकों द्वारा ही बनाया गया। और लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ मुसलमानों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। और तो अभी हाल ही में रॉबर्ट फीको ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से करीब 4 दिन पहले, और उसमें उन्होंने बताया कि वह अपने देश में जो बच्चे खुचे मुस्लिम हैं जो कि अलग अलग देशों से आए हैं उनको निकाल कर ही दम लेंगे। चलिए अब आते हैं पांचवें देश के और इस वीडियो के अंतिम देश के बारे में, जो कि है तथाकथित सनकी तानाशाह का देश उत्तर कोरिया। मैंने तथाकथित क्यों कहा? तथाकथित मैंने इसलिए कहा क्योंकि जितनी बातें आप टीवी पर सुनते हो, वीडियोस में देखते हो किम जोंग उन के बारे में, असल में किम जोंग उन वैसा नहीं। आपको किम जोंग उन के बारे में कुछ बातें मिर्च मसाला लगा के बताई जाती हैं ताकि व्यूअर अटेंशन बढ़े। कई लोग तो नॉर्थ कोरिया के नाम से ही डर जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग। कई रिपोर्ट सामने आए जिसमें ये पता चला कि उत्तर कोरिया के लोग उतने भी दुखी नहीं हैं जितना ये टीवी या मीडिया आपको बताता है। खैर, इस पर कभी हम अलग से बात करेंगे। दोस्तों, उत्तर कोरिया में मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब बनाना कानूनी अपराध माना जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं मुस्लिमों की फिर क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ फिर तो मंदिर भी नहीं है। चलिए आपको थोड़ा सा और हिस्ट्री में ले चलते। दरअसल यहाँ करीब 15 से 20 साल पहले मुसलमानों की जो आधिकारिक संख्या थी वह थी 3000। जी हाँ, लेकिन अब 2024 में पता है मुस्लिम यहाँ पे कितने बचे हैं? 0 से 1 के बीच में। कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम अब बचे ही नहीं हैं। और तो और यहाँ पर जो मुसलमान थे वे या तो देश छोड़ चुके हैं या मारे जा चुके हैं। ऐसा क्यों? दरअसल उत्तर कोरिया के किम जोंग उन और चीन के शी जिनपिंग के बीच में काफी बढ़िया मित्रता है। चीन मुस्लिमों के साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस बात की जानकारी किम जोंग उनको है। तो अब वही पॉलिसी अपनाकर अपने यहाँ उत्तर कोरिया मुस्लिमों का दमन कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर कोरिया में इस्लाम का प्रचार करने पर सीधे मौत की सजा हो सकती है। तो ये थे वो 5 देश जहाँ पर मुसलमानों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। आखिर क्यों किया गया है यहाँ पर ऐसा, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं। क्या भारत में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? ये भी राय अपनी हमें दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।